बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ को इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कैपुचिनो की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मेरी फेवरेट है। और मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आधा कप पानी ये मैंने लिया रूम टेम्परेचर पे, आप थोड़ा सा वार्म भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए ठंडा नहीं चाहिए। आधा कप शुगर, आधा कप इंस्टेंट कॉफ़ी ये मैंने लिया है नेस्कैफे की, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। एक गिलास दूध, इसमें तकरीबन 2 कप दूध है। और इससे बीट करने के लिए हमें चाहिए होगा बीटर और एक बॉल। दूध को हमें बॉयल होने के लिए रख दिया, इसमें ऐड कर देंगे शुगर, कॉफ़ी, ये मेक श्योर करें कि तीनों चीज़ें आपके सेम मिकदार में होनी चाहिए। अब हम इसे बीट कर लेंगे। शुरू में हम इसे स्लो स्पीड पे करेंगे, तकरीबन 30 to 40 सेकेंड, एंड देन फिर हम मीडियम स्पीड में करेंगे। इसे मैंने 40 सेकेंड के लिए बीट कर लिया। ये देखें आप कि ये थोड़ी फोमी से होना शुरू हो गई है। अब हम इसे बीट करेंगे जब तक ये थिक और मोर फोमी ना हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये कॉफ़ी का मिक्सचर तैयार हो गया, क्रीमी सा और फोमी सा। ये देखें ये कितना अच्छा तैयार हुआ है। और अब कॉफ़ी के मिक्सचर को मैं निकाल रही हूँ एक एयर टाइट कंटेनर में, और आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। और ये देखें दो दो हमारा बॉयल हो चुका है। मैं एक मग में तकरीबन 3 चम्मच यूज़ करूँगी कॉफ़ी के, ये रेगुलर चम्मच है हमारा। अब तकरीबन 2 चम्मच इसमें मैं डाल लेती हूँ अभी, और फिर दूध डालने के बाद डाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दूध। ये मैंने ज़्यादा बनाई है, आप कम भी बना सकते हैं। अगर आपने 1 कप कॉफ़ी बनानी है तो उसके लिए आप 1 चम्मच कॉफ़ी, 1 चम्मच शुगर और 1 चम्मच पानी का ले सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और कॉफ़ी ऐड कर देंगे। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी कैपुचिनो रेडी है। ये बहुत ही इजी वे में आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसे आप अपनी फैमिली के लिए बनाएं, अपने फ्रेंड्स के लिए बनाएं और इसे इंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।